भाई जिंदगी में कुछ भी कर लेना। मोस्टली जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को वो ये होता है बीर और बिलिंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बीर से रोज एक मिस्टेक होती जा रही है कि ब्लॉग एंड करना रह जाता है, बट क्या बताएं इतने थक जाते हैं कि याद ही नहीं रहता कि ब्लॉग एंड करना है। और यहाँ बारिश के अंदर भले ही हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, बट उसके अंदर भी ये दिक्कत है कि इतना भीग जाते हैं कि उसके बाद हमें याद नहीं रहता कि हमें ब्लॉग एंड करना। और ये देख रहे हो कि साइड में बैठी है मेरी बीवी जो कि ले रही है चाय की चुस्की। बाहर के हालात कुछ ऐसे है यहाँ पे बीर में कि बाहर हो रही है बारिश, बाहर के मौसम के कुछ ऐसे हसीन से हाल है, मौसम बड़ा ही सेक्सी हो रखा है, उसके साथ ठंड भी बड़ी जोरदार हो रही है। तो फटाफट पीता हूँ चाय मैं, क्योंकि हो जाएगी वो भी ठंडी इस ठंडी में। तुम चलती हो फास्ट, तो फास्ट थोड़ा ना चलना है। अभी बज रहे सुबह के 11:40 और हम निकल चुके हैं बीर एक्सप्लोर करने। मैंने अपना रेनकोट पहन लिया। नेहा बोले नहीं मेरे को तो भीगना है, पहाड़ों की बारिश में मैं अभी कभी भीगी नहीं हूँ, घर के वहां मैं खूब भीगी हूँ। मुझे तो भीगते हुए आ रही हूँ, क्या भीगी नहीं हूँ। अरे बट ऐसे नहीं भीगी ना, वो तो बाइक पे भीगी है चलते हुए, ऐसे नहीं भीगी ना चलते हुए। ये वॉक है नॉर्मल बहुत दिन हो गए। वैसे खा मैं तो नहीं रहा हूँ, मैडम के दिन की 5-6 चॉकलेट फिक्स है, खाना तो वेट तो बढ़ेगा ना। 5-6 चॉकलेट हो गई, 7-8 माजा हो गई, 3-4 लस्सी हो गई, और छाछ ये नहीं पीती है। कभी कभी मूड हो गया तो, रोज नहीं, मीठा चाहिए ना मैडम को मीठा। हम बाहर निकले नेहा के लिए नया रेनकोट लेने के लिए, क्योंकि जो वो बाइक वाला रेनकोट है वो हो चुका है ख़राब। रेनकोट की शॉपिंग हो चुकी है और बाल बिगड़ रहे हैं थोड़ा सा, इस पे ध्यान मत देना बालों पे। ट्रैवलर के साथ यही हाल रहता है कि उसके बाल बिगड़ते रहते हैं। ये जो पीछे आपको फैमिली गारमेंट्स ये दिख रहा है, इस शॉप से हमने परचेस किया और प्राइस काफ़ी वाजिब लगे। इन्होंने अपर और लोअर दोनों लिया है, लोअर हमने अभी इसी शॉप पे रख दिया है, जाते हुए लेंगे। ये जो आगे चल रही है ना मेरा बड़े वाला रेनकोट चुरा के, इन मैडम ने बोला कि मेरे से बाहर नहीं तोका जाएगा, इसलिए इन्होंने शॉप पे रख दिया। कैसे भीगेगा, वो तो लोवर है पहन लेती, भीगता नहीं। मैडम ये बोल रही है कि मैंने आपके 200 रुपए बचा दिए, अब 200 रुपए का मुझे कुछ और दिलाओ आप। यही तो है कहने का मतलब तुम्हारा, यही तो कहा तुमने स्मार्ट दिमाग। वो तो मुझे पता है तुम 200 बचाए, अब तुम 200 के मेरे 800 लगाओगे, वो तो मुझे पता है। शॉपिंग नहीं क्यों करनी तुमको, फालतू खर्चा नहीं करना, नीड होगा वो ले लेंगे बस। जैसे छतरी की नीड है, छतरी लेंगे क्यों, किस लिए लेंगे भाई बता। रुको, छतरी इसलिए चाहिए ताकि अच्छे अच्छे फोटो खींच सके। ये हमारा छोटा टावर है, अगर ये उल्टी चलती है और पीछे कहीं टक्कर खाती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद है, मैं नहीं हूँ। मैडम पहले जो जोश में उल्टा चल रही थी, बस आई तो देखो ऑफिस सीधा हो गए, और अभी जब बोला कि आगे ना ईगो पे, तब देखो ऑफिस में मुड़ गई पीछे। और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है फिलहाल, और ये बीर का लैंडिंग साइट है। भाई जिंदगी में कुछ भी कर लेना, बट सोलो राइडर में से करना, ताकि ऐसे लोग परेशान नहीं करे आपको राइड पे, ऐसे लोग ही परेशान करते हैं। 10 मिनट का साथ 90 मिनट का टॉर्चर देते हैं ऐसे लोग। मोस्टली जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को वो ये होता है कि बीर और बिलिंग, सबको ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, मुझे भी ऐसा लगता था कि दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। बीर और बिलिंग दोनों अलग अलग जगह का नाम है, जो बिलिंग है वो यहाँ पर है ऊपर है और बीर यहाँ पे नीचे है। बिलिंग से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है और बीर पे लैंडिंग होती है। और वैसे अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूँ कि जो अपना बिलिंग है वो वर्ल्ड के अंदर फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। अभी रिसेंटली यहाँ पे वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैम्पियनशिप भी होस्ट हुई थी। अगर किसी को पैराग्लाइडिंग करनी हो इंडिया के अंदर तो बिलिंग से करो, इट्स मोर सेफ देन अदर प्लेसेस। इसको जब पता चला ना कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है और यहाँ की फेमस है, क्या बोल रही मुझे क्यों नहीं करवाया, उस मौसम में क्यों नहीं लेके आया। देखो यही वो इंसान है जो पीछे पड़ गई ट्रिप पे, चलो ट्रिप पे चलो, मैं थोड़ा वेट कर रहा था मौसम क्लियर होने का कि उस समय ही चलेंगे। अब ये देखो, अबे लकड़ी ऐसे चिल्लाऊ नहीं तो करूं क्या मैं, हाँ कभी भी कुछ भी व्लॉग करूंगा बीच में गायब हो जाएगी। अभी अभी आपने अगर थोड़ी देर पहले देखा हो, जब मैंने पूछा था कि नेहा अम्ब्रेला किसलिए चाहिए, तो देखा नहीं एक ने टाइम में गायब हो गई। बस ऐसे ही ये मैडम पूरी ट्रिप में ऐसे ही करती है, इसलिए अगर आपको आपको अगर व्लॉग, हाँ हाँ अगर आपको व्लॉग छोटे दिखते हैं तो उसका कारण ये है कि ये मैडम
इसी की वजह से सारे ब्लॉग के वीडियोस मुझे डालने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो आधे अधूरे होते हैं, वन साइडेड होते हैं, मैं बोलता हूँ और ये नहीं बोलती। अब ये देखो, ये मेरे को चलाते चलाते तकरीबन 8 किलोमीटर लेके आ गई। और वॉक खा कौन रहे, मैं तो भाई बाइक चला रहा हूँ, खा के बैठ, तुम ही रही हो। ये शॉप आ चुकी है आगे, शॉपिंग इसको करनी है। पिस बेचारा, ये पतीरा है, इसको लगता है कि वो ठीक है, बेड पे बैठे हैं, खा रहे हैं, मगर इसको ये नहीं पता कि एक राइडर की कितनी हालत खराब होती है, उसके हाथ पांव ये सब कुछ ना टूट जाता है। तुम्हें मैंने करवा दी लड़की, मुझे मार्केट के नाम पे इतना दूर चला के लाए यहाँ तक, और यहाँ के पता चला इसका सामान ही नहीं मिल रहा। हाँ तो जी, बात ये हो रही थी कि इस लड़की का सामान नहीं मिला, ये इतना दूर चला के लाई मुझे। फिर भी रीजन ये है कि आज है सोमवार, और मोस्टली सोमवार वाले दिन यहाँ पे रहता है मार्केट क्लोज, तो इसलिए सामान नहीं मिला। क्योंकि इन्होंने यही बोला था कि आज सोमवार है और बैजनाथ गए जा तक, यहाँ पे चलेंगे बैजनाथ। यार मौसम क्लियर हो जाएगा तो चल देंगे, ऐसे मौसम में चलना है क्या? दूर है क्या? दूर तो है, 5-6 किलोमीटर। रिस्क नहीं ले सकते ना, बाकी रिस्क ले तो फिर इश्यू है ना। और भैया यहाँ पे है ना गाड़ी वाले बहुत कम ही अच्छे हैं, बाकी ज्यादातर ऐसे हैं। तो ब्लॉग करता है ना उसको, वो देख के हंसते ऐसे है ना जैसे कोई वो कार्टून जा रहा हो। ये देखो, ये लड़की ना ऐसे ही करती है, बस चलते चलते कुछ भी चालू कर देगी, कहीं भी चालू हो जाएगी। ओहो हो, और इसको अगर रुकने का बोलो ना तो कभी सुनती नहीं है, आगे वो निकल जाएगी। इसको है ना ऑन कैमरा कैप्चर कर लिया ना बीच रस्ते में कुछ मस्ती करते हुए, तो अब ये कर रही है कि उसको कवर अप करने के लिए क्या बोल रही है, मैं तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर सा फूल बना रही हूँ चलते चलते। हाँ तो बात ये हो रही थी कि छोरी बहुत तेज है, तेज नहीं है थोड़ी सी तूफानी है, थोड़ी सी तूफानी है, जो भूल जाती कि मैं किस जगह पे हूँ और मुझे क्या करना है। तो वाघा बॉर्डर का सीन है कि भैया हमको निकलना था जब परेड खत्म होगी उसके बाद, तो मैडम आगे आगे भागे जा रही, यूँ नहीं कि भाई हाँ साथ में है, कहीं घूम नहीं जाऊँ मैं यहाँ पे, और वहाँ पे नेटवर्क का बड़ा इशू था, कॉल वगैरह लग नहीं रहा था, पर मैडम भागे जा रही। फिर बाद में ढूंढ रही पीछे कहाँ गया, और मैं हाँ अरे बाहर जा रहे थे तब की बात कर रहा हूँ, अंदर हो जाने की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर तो अंदर हो गए थे निकले, कहाँ हाँ, अलग हुई मैं कहाँ अलग हुई थी याद नहीं, भागी थी आगे, फिर ढूंढ रही थी मेरे को पीछे, और मैं वहाँ पीछे खड़ा खड़ा देख रहा हूँ इसको, ये तो घुसे जा रही। फिर बाद में इसका हाथ पकड़ के मैं बाहर तक लेके आया, कहीं गलती से घूम गई ना, तो मेरे और उसके घर वाले पिटाई मेरी करने वाले हैं इसलिए। तो ये जो आपके इसको हाथ में आपको दिख रहा है इतना सारा खाने का सामान, ये जब लेने गई थी वहीं पर एक शॉप वाले भैया से बात कर रहा था, तो वो बोले कि आप बहुत सही जगह फंसे हो भीड़ में, यहाँ पे आप अगर वापस घर को जाना चाहो तो इजीली जा सकते हो, गलती से अगर आप मंडी या मनाली में फंस जाते तो आपका जाना दिक्कत हो जाता। तो मैंने कहा भीड़ वगैरह में फ्लड वगैरह, तो बोले भैया कि अभी तक तो आज तक तो आई नहीं है और आगे का कुछ कह नहीं सकते। लड़की भूली नहीं सामान लेना, भीड़ में चाय का बाहर की चाय पीना चाहो तो सही में अच्छी टेस्ट वाइज, अगर ऐसे कहते हैं जो इससे पहले हमने एक चाय पी थी वो, और एक अभी ये दो चाय अभी तक हमें सबसे बढ़िया टेस्ट में लगी है इस ट्रिप पर। और मौसम का क्या ही कहें, मौसम इतना हसीन हो रहा है ना, आप देख ही सकते हो। ओ नेहा जी लेके आ गए थैली, कितना समझदार हो यार आप, याद रखते हो सब कुछ। ये खड़ी अपनी एडवेंचर 390 जो कि कल से यहाँ पार्क है, ये जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं है ना, एकदम प्यारी सी जगह। बस एक ही दिक्कत है यहाँ पे, गाड़ी पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, बाकी भैया बहुत सही है। और ये जो आपको इधर ये कोने वाला रूम दिख रहा है ये नहीं, इसके जो पास वाला है ये वाला रूम हमारा है। और अगर बजट की बात करें तो रूम एक तरीके से अगर आप प्राइवेट लेते हो अपना तो बजट में ही है, 2000 रुपीज़ है पर डे का, जिसके अंदर हीटर भी इन्होंने दिया हुआ है। और अगर आप डॉम की बात करें तो अराउंड 500-600 रुपये का डॉम है, वो और भी बजट के अंदर है अगर आप सिंगल हो या फ्रेंड्स के साथ हो तो डॉम में रुको फायदे। तो जी पहुंच गए हम हमारे रूम, और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब ये तार नीचे जो गिर रही है उसको संभालना पहला ओ भैया हीटर ऑन करके गए थे, रूम पूरा गर्म हो चुका है, इन्हें ऐसा लग रहा है भट्टी पर बहुत सही लग रहा है, मैं सही कर रहा हीटर ऑन करके। तो हाँ, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी भी पहले ही कुछ एडिटिंग बाकी है वो कंप्लीट करनी है, ताकि आप लोगों को जो मैंने प्रॉमिस करा है ऑल्टरनेट डे पर ब्लॉग मिलता रहे। थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पहाड़ों में नेटवर्क बहुत खराब है, एक फोन में तो मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा है। और मैंने सही करा कि एक जियो की पोस्टपेड और एक एयरटेल की पोस्टपेड दो सिम ले रखी है, क्योंकि एक में नेट नहीं चले तो दूसरे में चल जाएगा। तो भैया कहीं अगर निकलो ना ऐसे घूमने के लिए तो पोस्टपेड कनेक्शन लेके निकलना, एक जियो एक एयरटेल, ताकि आप कहीं परेशान नहीं हो।
अरे हाँ, नेहा जी का छाता खरीदना रह गया यार। अरे यार मैंने कहा कि वैसे ही, अरे तो जगह वैसे ही नहीं है यार, पूरे पैनियस और जो टॉप बॉक्स है नेहा जी की भाषा में डब्बे वो भरे हुए हैं। तो अब मैं रखता हूँ फोन नीचे, नहीं तो नेहा जी गुस्सा हो जाएगी कि उनको करनी है फोन पे बात। तो इसी के साथ बाय बाय।